जो कि आप देख सकते हैं इसके थिकनेस को, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश तैयार हो चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह जो है हम घर से ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश विथ ग्रेनुअल्स के साथ बना सकते हैं। ये ग्रेनुअल्स जो है आपको इजीली केमिकल शॉप पे मिल जाएंगे, केवल आपको बोलना है विटामिन्स का ग्रेनुअल्स दे दीजिए। कोई भी केमिकल शॉप से आपको विटामिन ग्रेनुअल्स मिल जाएंगे, जो आपने मार्केट में अभी तक देखा होगा हैंड सैनिटाइज़र में या फिर आपके हैंड वॉश में अलग अलग वैरायटी के ग्रेनुअल्स आते हैं, वो कुछ इसी तरह के होते हैं और आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। वो अलग अलग विटामिन्स ग्रेनुअल्स होते हैं जो कि छोटे दाने में मिलते हैं, उन्हें लेना है, उसे यूज़ करना है। ये दाना अगर आपको बड़ा लगे तो इससे छोटा भी दाना अवेलेबल है मार्केट में, उसे भी आप ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है। आप नॉर्मल वाटर या डी मिनरलाइज वाटर या आरओ वाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्रिजर्वेटिव जरूर यूज़ करें। यहाँ पे मिथाइल पैराबीन या आईपी अल्कोहल ज़रूर ऐड करें। तो इस प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले मैं करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही चैनल के बेल आइकन को भी आप लोग जरूर प्रेस करें। ट्रेनिंग करना चाहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को, तो मेरी ट्रेनिंग सीजन जो है मैं मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह अरेंज करवाता हूँ। मुंबई में 6 और 7 तारीख को है ट्रेनिंग और दिल्ली में 26 और 27 को है। 26 तारीख को कॉस्मेटिक की और 27 तारीख को क्लीनिंग की, और मुंबई में 6 तारीख को क्लीनिंग की और 7 तारीख को कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में दोस्तों जो भी प्रोडक्ट्स मैं कवर कराऊंगा इसी तरह कवर कराऊंगा। बहुत ही मिनिमम रेट में आपको प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाएगा, कितने मिनिमम रेट में प्रोडक्ट बनते हैं, क्या इफ़ेक्ट करते हैं और क्या क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन से स्किन के लिए, कॉस्मेटिक की बात की जाए तो, और क्लीनिंग की बात की जाए तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी 10 रुपये से नीचे बनेंगे, चाहे वो हैंड वॉश हो, डिश वॉश हो या फ्लोर क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर हो। क्योंकि आजकल रेट जो है मार्केट में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसके रॉ मटेरियल्स का बहुत इंक्रीज़ कर गया है, तो उससे कम रेट में कैसे बनाना है वही हम आप सीखने वाले हैं आने वाले ट्रेनिंग में। जिससे दोनों ट्रेनिंग अगस्त में है, इसकी फ़ीस जो है क्लीनिंग की 3,500 और कॉस्मेटिक के 4,500। ट्रेनिंग की पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर फॉलो करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेनिंग में जरूर जॉइन। इसके बाद सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सॉल्ट को। सॉल्ट इसलिए यूज़ करना है कि यही हमारा थिकनेस प्रोवाइडर होता है, तो इसे हम यूज़ करते हैं। सेकेंड इंग्रीडियंस यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे थर्ड इंग्रीडियंस हमारा यूज़ करेंगे जो कि EDTA है। EDTA का यूज़ मैंने बता रखा है ऑलरेडी, थोड़ी सी मात्रा में इसे भी लेंगे हम, जस्ट थोड़ा सा। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की मात्रा पॉइंट में होगी यानी ड्रॉप में होगी, तो आपको एक ड्रॉप से ज़्यादा जो है यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, केवल आपको एक ड्रॉप ही यूज़ करना है। तो मैं जैसे कि एक ड्रॉप यूज़ करूँगा, ये एक ड्रॉप इनफ होता है। ग्लिसरीन यूज़ करने के बाद हम लास्ट इन्ग्रीडियंट्स हमारा कलर ऐड करेंगे। कलर को ऐड करने के बाद आप सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट SLES को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। SLES जो है उसका फुल फॉर्म होता है सोडियम लोराइल एथिल सल्फेट। इसका मेन यूजेस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपके प्रोडक्ट का जो है थिकनेस प्रोवाइड कर सकते, फोम बूस्टिंग दे सके। यहाँ पर हम SLES ऐड कर देंगे। SLS को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, और जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट जो है थिकनेस प्रोवाइड करता चला जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट्स पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह आपके प्रोडक्ट्स को जब थिकनेस पूरी तरह मिल जाए और आपका प्रोडक्ट पूरी तरह रेडी हो जाए, जो कि आप देख सकते हैं इसके थिकनेस को, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर आपको लास्ट इन्ग्रीडियंट्स जो कि आपका
आज के टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो कि ग्रेन्यूल्स है, उसे हम ऐड करते हैं। और जब इसे आप रब करेंगे तो ये जो है घुल जाता है आपके हाथों में, क्योंकि ये विटामिन का ही एक पार्ट होता है। हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन हाथों में रब करने पे ये घुल जाता है। अब आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट्स पूरी तरह रेडी हो चुका है। इसी तरह आप अपने घर से भी इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बनाने के बाद 12 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। 12 घंटे के बाद आप इसे यूज़ करिए। 12 घंटे बाद आपका यूज़ करने लायक हो जाएगा। इसे रिफ़िल करिए, रिफ़िल करके आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।